सराफा रजा करे तस्वीरे सुन्नियत के चेहरा रजा। सरकारे मखदूम और पाक एक बार समुंदर में जा रहे थे, आप लोग उसे दरिया कहते हैं, समुंदर को दरिया, दरिया में जा रहे थे, बीचों बीच दरिया में थे, जाहिर है दरिया का किनारा तो मालूम ही नहीं होता ना, दरिया में जाने का कोई दूर दूर तक आबादी तो होती नहीं। हजरत निजाम यमनी उस नाव को, पर्दे वाली बोट होती थी पहले जो हवा की उस पर चलती थी वो थी, और मखदूम पाक हजरत निजाम यमनी उस बोट पर बैठे हुए थे और हवा के रुख पे सफर चल रहा था। हजरत निजाम यमनी के दिल में ख्याल आया कि मैं जहां जहां भी अपने शेख के साथ तुरुतुल कुबरा के साथ गया हूं, हर जगह मेरे अशरफ को जानने वाले लोग पहले ही से मौजूद थे। सुभान अल्लाह, हालांकि उस शहर में हम पहली बार उतरते थे लेकिन वहां जानने वाले पहले ही से मौजूद थे। अरे ये पानी की दुनिया भी तो एक दुनिया है, क्या इस पानी की दुनिया में भी मेरे आका को जानने वाला कोई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल में ख्याल आया हजरत निजाम यमनी को, अभी ख्याल आया ही था कि सदहे आप से दो हाथ बाहर आए, अब कश्ती का किनारा पकड़ा, फिर सर बाहर आया, फिर सीना बाहर आया। हजरत निजाम यमनी इसको देखकर हैरतजदा रह गए, महवे हैरत में थे, डूबे हुए थे, होश भी न था। वो आने वाला शख्स अब दो हजरात कश्ती पर बैठे हैं तो मुखातिब होकर कहा कि आप दोनों में अशरफ कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत निजाम यमनी की हैरत के तिलिस्म टूटे, फौरन बोले कि हजरत आप हैं, आप हैं, आप हैं। वो शख्स मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तरफ उसने रुख किया, कहा हुजूर मेरे पीर व मुर्शिद ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिन्ना, नारे तकबीर, आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। सरकार मखदूम पाने का वालेकुम सलाम, अपने पीर मुर्शिद से दुआ कहना, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ से दुआ कहना। अब जब ये सुना दुआ कहना, ये लफ्ज तो आशनाई की दलील है, इसका मतलब जिसका सलाम लेकर आया मखदूम पाक उसे जानते हैं। सुभान अल्लाह, उसे जानते, पूछा भी नहीं कौन से पीर मुर्शिद का सलाम लाए हो भाई, ये समुंदर में सतह आपके कौन है तुम्हारे, कुछ नहीं पूछा, मुस्कुराए, फरमाया वालेकुम सलाम और अपने पीर व मुर्शिद को मेरी जानिब से दुआ कहना। सुभान अल्लाह। फिर हजरत निजाम यमनी हैरत में डूब गए, जब मखदूम पाक ने आपको हैरत में डूबा हुआ देखा तो तबस्सुम फरमाया, पूछा निजाम तुम इस बात पर हैरत में हो कि आने वाला कौन था, किसका सलाम लाया था, मैंने किसको जवाब दिया और किसके लिए दुआ के जुमले कहे? कहा हुजूर बड़े हैरत में हूँ, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, ये दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, इस समुंदर में ये आने वाला कौन था, किसका सलाम लाया था, वो कौन था? तो मखदूम पाक फरमाते हैं हैरत में मुब्तला मत रहो, मैं बताता हूँ, वो आने वाले का नाम, आने वाले का नाम कैकल था। सुभान अल्लाह, आने वाले ने नाम नहीं बताया था, मखदूम पाक बता रहे। सुभान अल्लाह, यानी ये मुलाकात पहली नहीं थी, इससे पहले भी कई हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुनो आने वाला उसका नाम कैकल था और जिसका सलाम लाया था, जो उसका पीर मुर्शिद था, उसका नाम दुर्रुल बहर है। सुभान अल्लाह, उसका नाम क्या है? दुर्रुल बहर। आया कहां से था? समुंदर की सतह में एक आबादी है जिसका मदीनतुल अशरफ है। सुभान अल्लाह, और उस आबादी के बादशाह का नाम दुर्रुल बहर है और वो दुर्रुल बहर इस फकीर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।